चाचू एक बात तो बताएं, हाँ बोलो। आपके हनीमून के क्या प्लान्स हैं? कहाँ ले जा रहे हैं चाची को, टर्की या फिर पेरिस? जहाँ शिजा बोले। ओहो क्या बात है चाची, वैसे मानना पड़ेगा आपका जादू तो एक रात में ही चल गया, वरना चाचू किसी की बात मान ले इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल की बच्ची है, कुछ ज्यादा जबान नहीं चलने लगी तुम्हारी है। यकना शुद्ध दोष शुद्ध, अब तुम्हारी खैर नहीं है मीसम। अच्छा मुझे बताओ, असद को फोन किया, कितनी देर हो रही है खाने पे जाने के लिए? आई थिंक मम्मी वो बिजी है, कॉल ही नहीं आंसर कर रहे। मेरा ख्याल है कि हम रेस्टोरेंट निकलते हैं, असद डायरेक्टली आ जाएंगे। ऑलराइट सो लेट्स गो। यस व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है सर। एंड यू नो व्हाट, उस लड़की का बाप एक नंबर का जुआरी था। उस लड़की ने हमसे झूठ पता क्या बोला कि मेरे फादर दुबई में किसी शेख की कंपनी के एमडी हैं। झूठ का जरा लेवल चेक करें आप। उफ माय गॉड सर, यकीन ही नहीं आता कि इस किस्म की लड़कियां भी हो सकती हैं। अरे छोड़े मैं सर, बहुत ही खुदगर्ज और कमजोर लड़की थी, और बदबख्त भी, जिसने आप जैसे लोगों की कदर कर दी। वैसे भी सर, आज तक कहीं पे भी कभी भी बेवफाई का नाम आया तो जिक्र मर्द का ही हुआ है। पहली बार किसी लड़की के बारे में सुन के ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया की हर औरत बेवफा हो गई। और सर, हर कोई आपके जैसा नहीं है। यू नो व्हाट, आपकी शराफत से पूरी दुनिया शरीफ नहीं हो जाती। से ये शराफत पे क्या चीज है? क्यों? आ नहीं सर, वो दरअसल मुझे मेरा एक दूर का रिश्तेदार याद आ गया, उसका नाम भी शराफत है।